रवीश कुमार ये वो पत्रकार है जो अपने बेबाक तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रवीश कुमार किसी पर्चे के मोहताज नहीं। एनडीटीवी पर उन्हें पत्रकारिता करते हुए बहुत साल गुजर चुके हैं। हाल ही में द वायर हिंदी के 2 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में रवीश कुमार ने हिस्सा लिया। पत्रकार रवीश कुमार को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। रवीश कुमार के इस इंटरव्यू में आपको पूरे सवाल का जवाब मिल जाएगा जो लोग सोशल मीडिया पर रवीश कुमार से पूछते हैं। इस इंटरव्यू में द वायर की पत्रकार मीनाक्षी तिवारी ने उनसे सारी विषय पर बात की, जिस पर उन्होंने बेबाक ढंग से अपना उत्तर दिया। जब द वायर की पत्रकार में आज की मीडिया के बारे में पूछा तो सुनिए रवीश कुमार का क्या जवाब था। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इस वक्त हमारा मीडिया बहुत तेजी से लगा हुआ है, जुनून से लगा हुआ है। 15 करोड़ की आबादी को आपने पब्लिक और पॉलिटिकल स्पेस से पीछे धकेल दिया है। जब आप ये खतरनाक काम कर सकते हैं तो आप अपने भीतर की आबादी को के और भी 15 करोड़ को इसी तरह से पीछे धकेल सकते हैं। तो ये जो धकेलने की प्रक्रिया है वो वहां तक उन सब को धकेल देना है ताकि जो 30% का खेल है वो बचे रह जाएं। और रोज वो एक तरह के नए समर्थक का निर्माण कर रहा है। डेली हमारी जो नागरिकता का बोध है उसका विभाजन हो रहा है, हमसे उस बोध को छीना जा रहा है। हम इतना ज्यादा उस हिंदू कुंठा के शिकार हो गए इन टेलीविजन चैनलों के जरिए कि अब हिंदुओं पर भी शक करने लगे। आप टीवी चैनलों का इस वक्त देखें, चाहे अंग्रेजी या हिंदी, तो वो लेबल लगा है पाकिस्तान का, मगर चर्चा में ये बात आ रही है कि हमारे बीच जो गद्दार है, जो हमारे बीच गद्दार हैं, पहले हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। तो एक तरह से ये प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो अगर आप भारत के लोकतंत्र को देखना चाहते हैं कि वो कैसा हो गया है, तो किसी भी रात कोई सा भी चैनल आप देख लीजिए, ये मजाक की बात नहीं है। हम आपको ये भी बताते हैं कि ये ऑडियो जो आप सुन रहे हैं वो द वायर के माध्यम से लिया गया है। द वायर की इस एक्सक्लूसिव बातचीत में रवीश कुमार अपने पुराने लय में दिखे और उन्होंने ये भी बताया कि मैं एंटी मोदी नहीं हूँ, मैं बस उनसे सवाल पूछता हूँ। द वायर के दिए गए इस इंटरव्यू में रवीश कुमार ने अपने माध्यम से लोगों को एक नसीहत भी दी। वो नसीहत क्या है हम आपको द वायर के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। लोगों को बताना पड़ेगा कि चुनाव का समय है। मैं अपील करता हूं कि 2 महीने में कम से कम आप टीवी देखना छोड़ दीजिए, 2 महीना छोड़ दीजिए, उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। 2 महीना तो नहीं देख सकते ना, इतना तो कर सकते हैं। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑपरेशन। हे देयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स, कॉज व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर फोन।